प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस सने प्यार से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी प्यार सने से मेरे वीडियो प्रोग्राम को देखते रहिए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के तालमेल का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि अगर आप लोग कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो तो आप करें, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। अगर कोई बंधु कोई मित्र ये चाहते हैं कि कुंडली का पूर्ण ज्ञान प्राप्त चाहते हैं, व्याख्या चाहते हैं, तो आपको कुछ मुझसे संपर्क करिए, उसका कुछ फीस आपको देना पड़ेगा, मैं पूरा ज्ञान आपको दे दूँगा। आज मैं एक वीडियो आप लोग के फरमाइश पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल ग्रह कुंडली में प्रत्येक भाव में लग्न से लेके 12 भाव तक क्या लाभ, क्या हानि, क्या प्रभाव देता है, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको ज्ञान होगा कि मंगल एक राजा ग्रह है, मंगल एक स्वतंत्र ग्रह है, मंगल मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है, राजनीतिक सफलता देता है, प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, कलाकार बनाता है, साहित्यकार बनाता है। मैं आपको सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति का लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग साहसी होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, कर्मठ होते हैं, कार्य करने की कुशलता होती है। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, जीवन में कभी इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, समाज में इनको अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होता है। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, दोष चौथे भाव का मंगल नीच भाव का हो जाता है, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग के चरित्र गिर जाते हैं, गंदी दोस्ती करते हैं, नशा पानी करते हैं, सेक्सी होते हैं, चरित्रवान नहीं होते हैं। महिला है तो कई पुरुषों से संबंध रखती है, पुरुष है तो कई महिलाओं से संबंध रखता है। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, ऐसे लोग कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं। ऐसे लोगों को संतान सुख विलंब से मिलता है। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी इज्जत प्रतिष्ठा इनकी बर्बाद नहीं होती है, और इनको इनके परिश्रम के कारण इनसे लोग भयभीत रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लड़का लड़की की शादी इच्छानुसार नहीं होती है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता है, विवाद होता है, केस मुकदमा तलाक की समस्या होती है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, संकित होते हैं, बुद्धि चलायवान होती है। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग नेता बनते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उद्योगपतियों व्यापारी होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग
ऐसे लोग सरकार से पूछे जाते हैं, सरकार से अच्छा पद मिलता है, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोगों को के भाग्य बहुत कम उम्र से ही उदय हो जाते हैं और जीवन इनका सफल रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रह में भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग परिश्रम का इनको सही लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। जिसके कुंडली में लग्न से 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जीवन में सब पूर्ण सफल रहते हैं, जीवन इनका कभी भी बर्बाद नहीं होता है, अच्छे जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, संतान इनकी योग्य होते हैं और चौथापन इनका सुखी संपन्न से गुजरता है। ये छोटा सा वीडियो मंगल कुंडली में किस किस भाव में क्या लाभ क्या हानि क्या प्रभाव देता है आपके सामने रखा, प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।